गया के दवा मंडी में हुई छापेमारी को लेकर फैली अफवाहों पर आज एक नया मोड़ आया है। कई न्यूज और सोशल मीडिया चैनलों पर प्रसारित खबरों के विपरीत वास्तव में कोई नकली दवाएं जब्त नहीं की गई हैं। जेके न्यूज के ब्यूरो चीफ समर राठौर ने इस मामले की सच्चाई जानने के लिए ड्रग्स विभाग से सीधे संपर्क किया। सहायक दवा नियंत्रक विजय कुमार ने स्पष्ट किया कि लाखों रुपये की नकली दवाओं की जब्ती की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं। श्री कुमार ने मीडिया से आग्रह किया है कि वे ऐसी संवेदनशील खबरें प्रसारित करने से पहले विभाग के अधिकारियों से पुष्टि कर लें। उन्होंने कहा कि इस तरह की भ्रामक रिपोर्टिंग से आम जनता में अनावश्यक भय और चिंता फैल सकती है। देखिए, फिलहाल अभी हम ड्रग्स ऑफिस में मौजूद हैं। बीते दिनों डुप्लीकेट दवाई पकड़ाने का चर्चा पूरा जिले में चल रहा था। ये जानकारी सामने आ रही थी कि दवा मंडी में लाखों रुपए का डुप्लीकेट दवाई जब्त किया गया था, लेकिन जब ये जानकारी प्राप्त करने हम यहाँ कार्यालय पहुंचे तो कुछ और ही जानकारी प्राप्त हुआ। मीडिया में कई तरह की खबरें चलाई जा रही है जो पूरी तरह से अफवाह है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीसी साहब मौजूद हैं, इनसे सीधे बातचीत करेंगे कि सर, बीते दिनों छापेमारी हुई थी दवा मंडी में, ये चर्चा चल रहा है हम लोगों में कि लाखों रुपए की दवाई जब्त की गई है, आप भी वहां जांच करने के लिए गए थे, क्या वाकई में लाखों रुपए का डुप्लीकेट दवाई पकड़ाया गया है क्या? नहीं नहीं, ये खबर जो भी मीडिया में चल रहा है वो पूर्णतः भ्रामक खबर है, ठीक ना। और इस तरह की कोई भी बात नहीं है। हकीकत ये है कि एक संस्था है ब्रांड प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उनके द्वारा यह सूचना दी गई थी कि गया जिले में दो ब्रांड नेम की दवा, एक पेन 40 और दूसरा जो है चाइमोरल फॉर्ट, ये दोनों टेबलेट की दवा जो है बाजार में नकली बिक रही है, काउंटरफिट मेडिसिन, जिसके रैपर पर कुछ अंतर है। उसके आलोक में मेरे द्वारा जो है कि एक जांच टीम बनाया गया, मैं खुद भी जांच टीम में जो है गया था, और ब्रांड प्रोटेक्शन के जो फील्ड के कुछ कार्यकर्ता थे वो लोग भी जो है उनके उपस्थिति में ही जांच किया गया। जांच में उन लोगों ने रैपर जो बताया था कि रैपर में अंतर है, इस तरह का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया, लेकिन उन लोगों के अनुरोध पर दुकान में रखे गए उक्त औषधियों को जांच के लिए जो है हम लोग प्रयोगशाला जो है भेज दिए हैं, और दवा जब्त होने का किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। तो ये जो चर्चा मीडिया में चल रहा था लगातार कि दवाई जब्त की गई है, तो ये अफवाह है क्या? मतलब जो लोग मीडिया में इस तरह की खबर को चलाते हैं, अब तो ये उनसे पूछा जा सकता है कि किस सूत्र के आधार पर जो है कि उन्होंने ऐसा खबर को जो है चलाया। किसी भी प्रेस के लोग जो है वो विभाग से संपर्क कर जानकारी नहीं लिए क्या इस बारे में? जी जी बिल्कुल, सिर्फ एक दैनिक समाचार पत्र जो है हिंदुस्तान, उनके द्वारा जो है कि मुझसे पूछताछ की गई, तो मैंने उनको जो हकीकत था वो जो है बताया है। इस खबर के बाद पब्लिक काफी जो है वो गुमराह हो गई है, उनके अंदर एक डर का माहौल बन गया कि क्या वाकई में ऐसी ब्रांड कंपनी की दवाइयां डुप्लीकेट बाजार में बिक रही है। आम लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे तो आपको मैं बता दूं कि लगातार विभाग के द्वारा दवा मंडियों में छापेमारी की जाती है, आम लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा जिनके अंदर ये खौफ पैदा हो गया है कि अब डुप्लीकेट दवाई मार्केट में आ गई है? देखिए, औषधि नियंत्रण विभाग जो है पूर्णतः समर्पित है, वो कोई शिकायत करे या ना करे, अपने नियमित जांच में हमारे इंस्पेक्टर जो है दवा का नमूना कलेक्ट करते हैं और दवा की दुकानों का वो विधिवत जांच करते हैं, ठीक ना। तो इसमें किसी को घबराने की कोई बात नहीं है कि बाजार में नकली दवा है, वो शिकायत जो आया है शिकायत के आलोक में जांच की गई है, वो प्रयोगशाला जाएगा। कुछ दिन पूर्व जो है विगत वर्ष 2023 में इसी तरह एक संस्था, महाराष्ट्र की एक संस्था है EIPR इंडिया, ठीक ना, प्राइवेट लिमिटेड, उनके द्वारा ही हमारे कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई थी कि सेम ब्रांड, जिस ब्रांड की चर्चा अभी हो रही है पेन 40, कि ये उसी नाम की दवा जो है गया के बाजार में विभिन्न दुकानों पे नकली बिक रही है, ठीक ना। उस समय के जो पदाधिकारी यहाँ थे कार्यरत, उनके द्वारा जो है उक्त दवा के नमूना, उस दवा का नमूना लिया गया और जिसका की जांच रिपोर्ट भी आ गया है। देखिए, इस तस्वीर को एक बार दिखा देंगे, ये वही दवाई है जिसके बारे में मार्केट में चर्चा चल रहा था, ये पहले भी ये मामला उठ चुका है,
और इसकी जांच पड़ताल पहले ऑलरेडी हो चुकी है, आप सीधे सर को दिखाएंगे। जब ये जांच के लिए गई लैब में तो इसका रिपोर्ट क्या आया, क्या वाकई में ये डुप्लीकेट दवाई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दवा पूर्णतः सही था, ठीक ना। उसका रिपोर्ट जो है हमारे कार्यालय को प्राप्त हो गया है। तो ये कहना, कोई कह देता है कि नकली दवा, ये कहने से नहीं होता है भाई, उसका एक प्रोसेस होता है जांच का। तो इस तरह की कोई बात नहीं है और ना ही नकली दवा यहाँ पाई गई है। अच्छा एक बात बताइए, इस तरह से विभाग को भी गुमराह किया जा रहा है, जबकि इससे पहले एक बार जांच हुई उसमें रिपोर्ट क्लियर है, उसके बाद फिर से एक बार शिकायत की गई, तो कहीं ना कहीं विभाग को भी जो है परेशान किया जा रहा है क्या, जो शिकायत करता है? देखिए, और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है, हम लोग किसी भी तरह का, किसी भी प्लेटफॉर्म से जो शिकायत आता है उसका जांच हम लोग करते हैं, और ये हम लोगों का ड्यूटी है, ठीक ना। तो कोई संस्था अगर शिकायत लेके आई तो हम लोग उसका जांच किए, जो हम लोगों का जो है ऑफिशियल प्रोसेस है, उसके आलोक में जांच किया गया। अब किनके द्वारा ये अफवाह फैलाई गई कि लाखों रुपया का, इस पर हम जो है कि कोई बयान नहीं दे सकते। देखिए स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर जो उड़ती खबर चलती है उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप खबर की तह तक जाएं, पड़ताल करके क्या खबर जो है वो वाकई में सही है, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। यही जानकारी लेने के लिए हम देखिए ड्रग्स विभाग में आए थे। यहाँ स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो चुका है कि किसी भी प्रकार की नकली दवाइयां नहीं मिली है या फिर नहीं जब्त की गई है, ये मार्केट में अफवाह फैलाया जा रहा है। बाकी जेके न्यूज 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।